Maha, hello, how are you? I am good, how are you? Gayab. यार बस गायब गायब क्या, यू नो हाउ वर्क इज, अब तो खुद कर रही हो। मैं महा के बारे में पहले ये बताऊँ, महा दोस्त है और महा ने इस साल का जो लक्स अवार्ड था बेस्ट मॉडल का वो जीता, और पहले भी बता चुका हूँ लोगों को, एंड शी हैज़ आल्सो वन हम स्टाइल का बेस्ट मॉडल का अवार्ड, IPPA बेस्ट मॉडल का अवार्ड, जितने भी पाकिस्तान में अवार्ड हुए सारे जीत चुकी है। क्या चक्कर है भाई, कैसे जीत सारे चुकी? तो नहीं, यही है, तीन चार और कौन से हैं, कैसे जीती है भाई ये बता दो। काम करके, काम काम काम, दिन रात करें हम, दिन काम रात काम। अच्छा क्या काम, चलो काम बता दो, क्या किया ये आइडियली? एक्चुअली पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है, मॉडलिंग मेरा इंटरेस्ट नहीं था। नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था क्रिमिनल जर्नलिज्म। आई नो यू आर अ लॉयर यार, ये तो मैं लोगों को बताऊंगा कि ये लॉयर हैं ये खातून, और मैं एक लॉयर के साथ बैठा हूँ और ये अपनी लॉ फर्म चलाती है और क्रिमिनल जर्नलिज्म करना चाहती थी। असल में क्रिमिनल जर्नलिज्म करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे था नहीं कुछ कवर करने को, तो कुछ नहीं था। इतना कुछ रोज हो रहा था हमारे, इतने क्राइम्स होते हैं, मुझे लगता है इतने क्राइम्स होते हैं कितना कुछ कवर कर सकती थी। जो कवर करने को था वो मौत के करीब था, तो सो यू डिडंट वांट टू डू दैट, एंड योर फैमिली वर दे ओके विद दैट? आई बिलोंग टू अ ब्यूरोक्रेटिक फैमिली, सो या दे वर नॉट ओके विद दैट। दे वर ओके विद लॉ एंड व्हाटएवर आई वांट टू डू इन लाइफ, वेरी सपोर्टिव लाइक दैट। ओके, लेकिन खतरनाक नहीं। अच्छा खतरनाक, तो ये कैसे ख्याल आया यार तुम लंदन में, मतलब मैं तब से जानता हूँ लंदन से, वहाँ पे पढ़ रही थी फिर यहाँ पे आई, और फिर ये कैसे शुरू हुआ मॉडलिंग का सिलसिला? आई वाज एट नबीलाज, मेरे भाईजान शादी कर रहे थे, कोई पता नहीं, मन्नत तो सुनो तो 9 साल के बाद और मुझे आना ही था। हाँ। तो आई केम एंड आई वाज बुकिंग मेकअप आज नबीलाज। अच्छा, सिर्फ अपना मेकअप करवाने के लिए मतलब आई थी कि मैं अपनी उनकी ब्राइड के लिए मेकअप करवाने के लिए आई थी? मैं तो मेकअप करना ही नहीं चाहती थी, बिकॉज़ आई वाज अ वेरी नर्डी पर्सन। ओके, यू हैव नोन मी सिंस लंदन, सो आई वाज अ नर्डी। हां, मतलब यू आर नॉट वेरी लाइक, यू आर वेरी कैजुअल। एक मॉडल का ना एक पूरा वो होता है, लेकिन वैसे देखने में अब और तुम्हारी सारी तैयारी और हर वक्त जब देखते, मैं कहता हूं यार ये तो फुल टाइम मॉडल बन गई, मॉडल तो हो गया। उस वक्त तो इट वाज वेरी एकेडमिक टाइप लुक था। ओके, so I was making bookings for the wedding and I met Tabish Hoja. Okay. And usse pehle London mein main theaters dekhne jaati thi bahut. So you liked ke ye acha kaam hai, maza ka, interesting kaam hai. Mujhe theaters dekhne mein maza bahut aata tha, kyunki wahan ke London ke theaters, oh yes, they're brilliant, they're out of the world. Brilliant, they're very nice. तो माँ ऑल्सो लिव्स हेयर एंड देयर, हाँ ये लोगों को मैं बता दूं, यू लिव हेयर एंड देयर, राइट? अच्छा, तो नबीला के वो कहते हैं सर पे सहरा है कि उन्होंने माँ को इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, उसके बाद इंट्रोड्यूस तो होगी, पहली चीज क्या थी जो की? पहली चीज वाज सना सफीनाज, आई थिंक, एंड देयर लाइक वन ऑफ द लीडिंग पीपल, या सो यू डिड, यू वर्क फॉर देम एंड इट like kind of was it blown like bahut mazay ka ho gaya. I did the first foreign feedback mila, ha it was very speedy. अच्छा यार, ये तो बड़ा फॉर्चुनेट है, वहाँ बड़े ये मुश्किल से होता है ये लड़कियाँ लड़कियों के साथ, ये यूजुअली होता नहीं है ऐसा। यार आई थिंक एक की जो होती है ना वो ये होती है कि मैं बड़ा छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है लड़कियों के कि कंपैरिजन करना छोड़ दे, यानी दूसरों से अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। जब आप किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ खड़े होते हैं, या नॉन एक्सपीरियंस के साथ, या खूबसूरत के साथ, या अलग फीचर के साथ, जो भी, उसका अपने से मवाजना करना छोड़ दें, उस दिन आप जीत जाएंगे। यार बड़ी पता है की बात, अपने आप को सिग्नेचर बना लें कि जो अपना स्टाइल है बस वो एक अलग स्टाइल। आपके सामने स्क्रीन आती है ना जिसमें तीन लोग खड़े हैं, उनमें से एक आप हैं, उसमें से जो आप दो को देखते हैं ना, उधर आप अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो करना छोड़ दें। यार ये तो लड़की ने वो बात की है जो बड़े सालों बाद जाके इंसान लर्न करता है, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज ए मॉडल, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, दूसरों से मुआवजा नहीं करें। हाँ, क्योंकि वो आ गए, आपको दूसरा वो नहीं चाहिए, लाइक इफ देयर इज वन मैरिलिन मोनरो इन द वर्ल्ड, वी डोंट नीड द सेकंड। हाँ, व्हाई डू वी नीड द सेकंड यार, वो एक ही जबरदस्त है, क्या नीड द सेकंड एसन खान? No, you don't. You have one. There's always going to be one. Good. I like it. अच्छा, ये पता था कि मैं अवार्ड जीत जाऊंगी जब स्टार्ट किया था? हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कैसे फील हुआ आप? Did you have a feeling this time you will win the award? This time actually, yes, I did have a feeling. क्यों? 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 I had a lot of people who kept messaging me that you deserve it, you deserve. No, but why do you think you deserved it? Why? Because I worked a lot. And, okay. And you knew that your
एट दिस पॉइंट अच्छी हो, अच्छा काम कर रही हो, दूसरों से बेहतर हो, ये बात थी जहन में पता? ये भी थी एक थोड़ी कंफ्यूजन, ये भी थी कि मेरा उसी टाइम पे ट्रांजिशन एक्टिंग की तरफ भी हुआ हुआ था, तो मैं इस लिहाज से थोड़ी कंफ्यूज थी कि मैंने आज इस साल थोड़ा मिक्सअप भी किया है, वाज मॉडलिंग बट आई वाज आल्सो एक्टिंग, ओके, सो नॉट फुल टाइम टुवर्ड्स वन प्रोफेशन, वन फील्ड. ओके, ठीक है. सो लॉयर, मॉडल, एक्टर, अब आजकल एक्टिंग का चल रहा है प्रोजेक्ट, एक शूटिंग चल रही है, कैसा जा रहा है? दूसरी भी शुरू होने वाली थी, टेंशन यार. ऐसे ना आपने मुझे एक्टिंग में आने से पहले नहीं बताया था कि मुश्किल काम पेशेंस वाली. देखो यार मैं एक बात बताता हूँ, पेशेंस वाला वर्चू आपने मुझे नहीं सिखाया. पेशेंस इस काम में इतना चाहिए, और स्पेशली व्हेन यू आर अ न्यू कमर. आई मीन एक्टिंग में तो नए हो ना आप, अगर मॉडल में माशाल्लाह मॉडलिंग में एक नाम है, बट एक्टिंग में नए हो तो सेट्स पे बैठना, अपने सीन्स का वेट करना, डिलेज हो जाना, और कभी शूटिंग कैंसिल हो जाती है, आपको पता नहीं होता कल आप रात को आपको फोन आएगा कि आज आपने आप तैयार हैं सुबह शूटिंग में जाने के लिए, और अचानक आपने कोई सारे काम आपने कैंसिल किए, आज आपकी शूटिंग नहीं है, एंड देन यू आर सिटिंग एट होम एंड सारे काम आपके ठप, और डिलेज भी होते हैं. ये कैसा, ये चल रहा है इस प्रोजेक्ट में या नहीं हो रहा है? ऐसे होता है शुरू. अच्छा. में मैं थोड़ी सी आई थिंक इरिटेट भी थी इस कल्चर से थोड़ी. हाँ. सी. हाँ. क्योंकि सुपर मॉडल लेवल एक दूसरी दुनिया है, ये बिल्कुल एक अलग दुनिया है. पर मैं आई बिकॉज यू नोन मी सो यू नो कि आई हैव अ वेरी ओवरवेलमिंग पैलेट. हाँ, हाँ, हाँ. मुझे बड़ी डिफरेंट चीजें करने का शौक है. कैच फ्रेज है कि व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, हां ये भी कर लो, ये भी कर लो, अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकती, कर सकती. तो फॉर मी इट वाज के यू नो पेशेंस और हार्ड वर्क हर जगह लगता है, लेकिन अगर मुझे रिजल्ट अच्छा दिख जाए और मुझे पता चल जाए दैट यू नो यू कैन विन दिस, तो आई विल गो ऑल इन. सो मुझे एक बात बताइए, जो अटेंशन होती है, बिकॉज़ एट टाइम्स कुछ लोग तो पैसों के लिए इस फील्ड में आते हैं कि हम अच्छा कमा लेंगे, ठीक है, उनको लगता है कि क्विक अर्न करते हैं, हालांकि क्विक अर्निंग नहीं है, यू नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ फॉलोइंग, यू नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क, बॉडी ऑफ वर्क, स्किल दैट ब्रिंग्स मनी, ठीक, वर्क, नो वर्क इज राइट. इस फील्ड में क्यों आई? बिकॉज यू वर फ्रॉम एन अफ्लुएंट फैमिली ऑल्सो, पढ़ाई भी अच्छी थी, अगर कहीं जॉब करती है, अपनी फर्म कर रही हो उसमें भी कमा लेती, तो क्या था जो इस फील्ड में ये सोचा कि यार मुझे इसको सस्टेन करना है, मुझे ये करना चाहिए काम? ये मीन नहीं करा, एक वो है एक ग्राफ बना हुआ है, उसमें ना कॉलेज से छोटे छोटे ड्रीम्स है. अच्छा, तो उनमें से एक पूरे करने, उनमें से एक ये ड्रीम था? ये ड्रीम नहीं था एक्चुअली, ये तो इम्प्रॉम्प्टू था. ओके. पहला ड्रीम था लॉ करना है. ओके, वो कर लिया. तो वो मैंने कर लिया. ठीक है. दूसरा ड्रीम था कि मैंने फर्म खोलना है. ओके, वो भी कर लिया. वो कर लिया. तीसरा ड्रीम था अपना घर बनाना है. वो भी कर लिया. कर लिया, अपना घर ऑलरेडी बना लिया. हाँ. अच्छा, ठीक है. यू फ्रॉम कराची ना ओरिजिनली? कराची की हो ना. मैं लोगों को इसलिए लोगों के सामने कर रहा हूँ कि बहुत सी हमारी मॉडल्स आर नॉट फ्रॉम कराची ऑल्सो, जो पहले भी रही हैं वो कराची से नहीं है. तो यू मेड योर होम ऑल्सो इन दिस अर्ली, इज दैट बिकॉज ऑफ दिस वर्क और इज इट बिकॉज ऑफ योर पढ़ाई जो घर? इट वाज मिक्स्ड ऑफ माय फर्म अर्निंग्स एंड मैं बड़ी डेट थी, मुझे हमेशा था कि माय फादर वाज सेल्फ मेड सो आई वांट टू बी सेल्फ मेड. ओके, लवली यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है. मैं घर बनाना है तो अपने दम पे बनाने. ठीक है. अच्छा, अब जितने भी मॉडल्स हैं इस वक्त, डू यू एक्चुअली थिंक यू डिजर्व्ड द अवार्ड? देयर इज नो राइट आंसर टू दैट. ओके, एवर. आई थिंक हर मॉडल का एक अपना सिग्नेचर होता है. और सभी अच्छी हैं? फेवरेट कौन कौन सी है दूसरी? सब अच्छी मॉडल्स होते हैं, कुछ नए. बट यू टोल्ड मी दैट यू आर द बेस्ट. मुझे तो तुमने कहा था कि तुम, बिकॉज आई बिलीव आई एम द बेस्ट. इफ यू स्टार्ट बिलीविंग दैट दे आर द बेस्ट, देन दे आर. अच्छा, सो दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. माइंड था मैनिफेस्टेशन भी होती है, आप सोचते रहते हैं कि आप सबसे अच्छे हैं, तो लेकिन ये तो बड़ा वो नहीं हो जाएगा एक इसमें एरोगेंस तो नहीं आ जाएगा? आपके सामने पांच नाम आ जाए ना, आप उनको कंपेयर ना करें, उनसे जेलस ना होए, आप अपने काम पे ध्यान दें. ठीक है. फोकस ऑन व्हाट योर ओन पावर इज. हां, अपनी पावर. व्हाट इज योर पावर? चलो ये बता दो. माय पावर इज मैं बहुत, आई एम वेरी स्टबर्न. लड़कियों के लिए ये बताओ, जो बहुत से लड़के लड़कियां जो सुन रहे हैं उस फील्ड में आना चाहते हैं, मॉडलिंग की फील्ड में स्पेशली, मॉडलिंग की फील्ड कितनी डिफिकल्ट है, क्या कुछ ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती है जिनसे पहले से हमें अलर्ट होना चाहिए? लड़के और लड़कियों के लिए आई वुड, इजी तो खैर कोई फील्ड नहीं है.
मैं ये भी झूठ नहीं कह सकती कि बॉडी और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं है. अच्छा अच्छा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इन व्हाट वे? आई मीन दे नीड थिन पीपल, स्मार्ट पीपल, यही है ना चीजें जो स्मार्ट पीपल. अब तो दुनिया भर में बिग साइजेस के भी मॉडल्स हो गए हैं और डिफरेंट, तो वो तो बड़ा चेंज ही हो गया, लेकिन हमारे यहाँ भी चेंज नहीं हुआ है. पाकिस्तान पीछे है. अच्छा ठीक है. आई वुडंट वांट टू लाई अबाउट इट एज अ वुमन, बट हमने बहुत प्रोग्रेस किया भी है, लेकिन हम अभी भी उस लिहाज से पीछे है. अच्छा तो एक स्पेसिफिक आपको लुक चाहिए होता है, स्पेसिफिक स्टाइल चाहिए होता है उसके लिए. हाँ मतलब अगर आप छोटे कस्बों में अभी भी जाएं तो मेंटालिटी है एक चिट्टी गोरी लड़की की जिसने दुपट्टा पहना हुआ हो और वो जो है वो यू नो लाइक एक पिक्चर है जो बनाई हुई है खूबसूरती की. ठीक है, लेकिन दुपट्टा तो अगर पहना तो वो तो खूबसूरती की एक. आप जीजी हदीद को भी करते हैं तो केंड्रा जेनर को भी करते हैं तो आप ज़ेंडाया को भी करते हैं, लेकिन आपने अपने मुल्क की छोटे कस्बों में स्पेसिफिकली आपने एक पिक्चर बनाई हुई है खूबसूरती की. अच्छा, एंड यू थिंक दैट्स नॉट राइट, यानी वेरिएशन होनी चाहिए, ये कह रही हो? हाँ, आई थिंक दैट फर्स्ट थिंग दैट मॉडल्स नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट यू नीड टू थ्रो दैट पिक्चर आउट ऑफ द बाउंड्री. ठीक है. थ्रो इट, बर्न इट एंड फॉरगेट अबाउट इट. ओए होए होए होए, ये तो भूल जाए दैट एनीबॉडी कैन टेल यू दैट वेदर और नॉट यू आर ब्यूटीफुल. ठीक है. अच्छा ठीक है. हाँ, क्योंकि ब्यूटी का वो कहते हैं ना कि वो एक टिपिकल स्टैंडर्ड को मत आप फॉलो करें, अपने आप में ब्यूटी ढूंढे और उसी को एनहांस करें, क्योंकि उसने बनाया है तो उसकी बनाई हुई चीज खराब नहीं हो सकती. अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अभी जैसे कहा कि एक टिपिकल स्टैंडर्ड, बट देन डोंट यू थिंक कि हमारी मॉडल्स अक्सर जो बहुत दफा कपड़े पहन रही होती हैं वो हमारे कल्चर के हिसाब से या हमारे हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं होते, या कई लोगों के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं, तो उसके बारे में जब लोगों का बैकलैश आता है तो हाउ डू यू फील एंड हाउ डू यू टैकल पर्सनली? आई फील कि सर्टेन क्लोथिंग आई एक्चुअली अग्री कि अप्रोप्रिएट नहीं होते और वो नहीं पहनने चाहिए जो हमारे मे बी रिलीजियस सेंटीमेंट्स और हमारे कल्चरल सेंटीमेंट्स को हर्ट करते हैं. रीजनिंग सिंपल है कि आई मीन अगर आप इफ यू आर पाकिस्तानी बॉर्न, मैं इधर पली बड़ी हूँ, मेरा कल्चर ये है, मेरी रूट ये है, तो मैं और इन्हीं लोगों ने मुझे बनाया है, मेरा कुछ चला नहीं जाएगा अगर मैं उस कल्चर की रिस्पेक्ट करूंगा. बिल्कुल सही, जरूरी है. ठीक है. और यू डू यू डू दैट, यू मेक श्योर व्हेन यू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हेन यू अच्छा ठीक है. ठीक है, और करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. जिस जगह पे आप होते हैं, जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए, बहुत जरूरी है. जो लोग आपको फॉलो करते हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए कि लोगों को किस तरह से चीजें अच्छी. ठीक है. हमारे बड़े बूढ़ों ने बड़ा सोच समझ के एक लफ्ज बताया था कि यार हर चीज एतदाल में करो. ठीक है, तो फिर ये जो बैलेंस में करो, अच्छा, एक्सट्रीम कुछ ना करो. बिल्कुल सही है. आई टोटली अग्री टू कि एक्सट्रीम में कुछ नहीं, बैलेंस में करना चाहिए और बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए. अच्छा, और ये पर्सनलाइज है, बट ये जो रेड कार्पेट पे मैं ये देखता हूँ कि बहुत से लोग बैशिंग शुरू हो जाते हैं हमारी मॉडल्स की, एक्टर एक्ट्रेसेस की, और ज्यादातर बड़ा मायूब भी लगता है कि लड़कियों को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है. क्या वाकई उनको अपने कपड़ों का स्टाइल बदलना चाहिए या लोगों को क्रिटिसाइज कम करना चाहिए? नहीं, कोई तो इसका एक हल होगा कि नहीं? आई थिंक हमारे रेड कार्पेट्स, मैं स्टार्ट इस बात से करूंगी कि अप्रिसिएशन जरूर है कि पीपल शो अप एंड दे वांट टू बी फैशनेबल, और रेड कार्पेट्स हो रहे हैं इस मुल्क में और हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं फैशनेबल इमेज को. ठीक है. लेकिन आई थिंक कि हमारा जो आइडिया है ना वो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज होने की जरूरत है. किस सेंस में? इन टर्म्स ऑफ फैशन एक बहुत वाइड स्टडी है. अच्छा ठीक है. मतलब जो हम बाहर जाते हैं, आप लंदन गए, एक पूरी स्टडी है फैशन. सही है, बिल्कुल सही है. कि कौन सी बॉडी टाइप पे क्या सूट करेगा, किस हाइट पे क्या सूट करता है, बिल्कुल, किस हाइट, किस फेस कट पे क्या सूट करता है. तो उस लिहाज से हमारे पास नॉलेज कम है. और दूसरा आई वुड से कि हम बड़े ना हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं हार्पर्स बाजार से और वोग से. मैंने बड़ा देखा है मेट गाला, तुकांस. आई थिंक तो आप अगर वहां पे नोटिस करें, एक्सक्लूडिंग सर्टेन पीपल जिनको जो जाने माने जाते हैं एक्स्ट्रा करने के लिए, लेकिन वो एक्स्ट्रा पुल ऑफ करना चाहते. ठीक है, ओके. लाइक यू नो लेडी गागा, रियाना, वो एक डिफरेंट लीग है. बिल्कुल सही है.
अदरवाइज पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे तो अब कोई लेडी गागा तो नहीं है और ना ही उस तरह से कैरी करते अपने आप को। अब फैशन आउटसाइड इज लेस इज मोर, इट्स मिनिमल। ठीक है, सो यू सो व्हाट इज द आंसर टू व्हाट आई आस्क, के दे नीड टू चेंज देयर स्टाइल, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम। ओके, अच्छा, यू कांट बी वेयरिंग द रेड लिप कलर एंड द डायमंड आउटफिट एंड द डायमंड हेयर, सब चीजें एक साथ कर, मौका मिलेगा दोबारा। मौका मिल जाएगा, ये आखिरी रेड कार्पेट नहीं, ये कह रही हो, अच्छी बात है। गोला गड्ढा यार, गोला गड्ढा, ये गोला गड्ढा यार, अच्छा नहीं, गोला गड्ढा बनने की, यू सेइंग गोला गड्ढा बनने की जरूरत नहीं है यार, गोला गड्ढा कौन वैसे तो स्टाइल, मैं इस बात पे मेरा दिल कर गाड़ी रोक लूँ यार, ऐसी बात कर दी गाड़ी रोक लूँ, लेकिन द पॉइंट इज के स्टाइलिस्ट ही उनको तैयार करते हैं, वो खुद घर से तैयार थोड़ी हो क्या होती है हमारी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस और एक्टर्स जो हैं, हम लोग भी जाते हैं तो स्टाइलिस्ट पे भी होती है। लेकिन जो अच्छा मुझे तो पूरी इंडस्ट्री पे होती है। ठीक है, हाँ सब लोग पे तो इसका मतलब जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो सही भी करते हैं किसी पॉइंट पे, कि यार ये क्या पहना हुआ है आपने हमारा, कुछ सही भी करते हैं। ठीक है, और कुछ ट्रोलिंग ज्यादा भी होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, जैसे मैंने कभी विनीजे को, ओह यस ऑफ कोर्स, आई हैव ऑलवेज सीन हर ड्रेस वेरी क्लासी, हाँ फैशनेबल ऑल द टाइम, या या टेस्टफुल, लेकिन मॉडर्न भी। हाँ, मॉडर्न भी। सो हु इज योर फेवरेट, ये जब विनीजे की बात है तो पुरानी मॉडल्स में से, जो हमारी आइकॉनिक मॉडल्स में से फेवरेट कौन है? यार मैं एक्चुअली टू बी रियली ऑनेस्ट यू नो मी, तो मैं मॉडलिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, मुझे बैकग्राउंड नहीं पता, थोड़ा सा कुछ जैसे विनी का नाम भी किसी का तो पता, विनी ने तो मुझे खैर शी गेव मी द अवार्ड विद हर हैंड, सो आई नो हर, ठीक है, एंड आई हैव बीन कंपेयर्ड बाय फोटोग्राफर्स की ये थी तुम इसकी ऐसी लगती हो, तो मुझे इस तरह कुछ नाम पता है, नेहा पता है, ठीक है, इरज पता है, ठीक है, तो आजकल की करंट मॉडल्स में से नहीं मालूम, जैसे बहुत अच्छी अच्छी हमारी मॉडल्स आजकल भी करंट रीसेंट डेज में, हमारी करंट मॉडल्स में आई वुड से फौजिया मान इज समबडी दैट, फौजिया करंट, फौजिया भी काफी सीनियर, मतलब कब से आ रहे हैं, लेकिन वो आजकल भी कर रही हैं, तो फिर वो सही है, वेरी मेंटेन्ड एंड वेरी ग्रेट, बट पीपल लाइक मर्श एंड ऑल अदर मॉडल्स, डोंट यू थिंक देयर, आई मीन अ फ्यू अदर्स, दे आर डूइंग गुड, यस, है ना, एब्सोल्युटली, आई थिंक दे हैव मेड देयर मार्क, हां, फेमीन अंसारी, ठीक है, फेमीन इज वेरी गुड, या वेरी गुड, एंड वीव आई अप्रिशिएट कि हम वीव गॉन टू द लिमिट कि हमने चेहरों को वर्सेटाइल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो ये मॉडलिंग की बात होगी, मुझे ये बता दो कि फेवरेट फीमेल एक्टर कौन है, एक्टिंग कर रही हो आजकल, तो कौन एक्ट्रेस है कोई ऐसी जो बहुत अच्छी लगती है, बाहर कहाँ, इस मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की, फिर फसा दिया, नहीं कोई सीधे मुझे पता, जब एक एक ट्रिक बताता हूँ, अक्सर जब एक्टर से पूछो ना कौन है, तो वो अपने पुराने सीनियर्स का नाम ले लेते हैं ताकि कोई करंट हो ही ना, पास ही ना, मैं करंट की बात इसलिए कर रहा हूँ, रेलेवेंट हो जाती है ना थोड़ी यार, या करंट में दिस अ लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक सबा, आई एम वेरी इंस्पायर्ड, सबा कमर इज अमेजिंग, ऑफ कोर्स, आई हैव ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ओह दैट्स ब्रिलियंट, आई थिंक आई हैव नॉट सीन, मैं ड्रामे भी जब एक्टिंग नहीं कर रही तो मैं नहीं देखती थी इतने ड्रामे, लेकिन मैंने बाकी देखा है, ठीक है, बहुत अच्छा प्ले, एंड इट वाज फिनोमिनल, अमेजिंग अमेजिंग, एक और प्ले आपको बड़ी खुशी होगी जो मैंने उस टाइम पे देखा था जब मैं नहीं बिल्कुल इंटरेस्टेड थी ड्रामा में, उडारी, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आई वाज मैड अबाउट उडारीज ओएसटी, उडारी स्टोरी, इट वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी एंड वेरी गुड विलन, अच्छा चलो, अगर एसटी लाइफ में भी आप बनना चाहें तो आप बन सकते हैं, बहुत बिलीवेबल, अच्छा वो मुझे तो असली लाइफ में लोग, दैट्स व्हाट आई वाज गोना से, कि वो तो मुझे नहीं मालूम, बट ये लोग कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल विलन्स वाली नहीं, आप कैसे स्क्रीन पे विलन कर लेते हैं, दैट्स द एक्ट, या ओके, टू हैव टू फ्लिप योर स्किल, आई विल 100% तो सिखाना पड़ेगा, अच्छा, और मेल फेवरेट एक्टर कौन है, मेल फेवरेट एक्टर, चलो एक दो का नाम लो, मैं ज्यादा नहीं, मेल आई लाइक्ड द ग्रोथ ऑफ इमरान अशरफ, ठीक है, I've liked you. Okay. I have liked हमारे सीनियर एक्टर्स में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. ठीक है, मस्त है. अदनान सिद्दीकी इज़ अदनान. मैं वही सोच रहा था कि अदनान के साथ सबसे पहले स्क्रीन अदनान से शेयर की थी, तो अदनान का नाम क्यों नहीं लिया? नहीं नहीं, मैं कभी भूल नहीं सकती उनका नाम. I've learned a lot of things from him. Like बहुत छोटी चीजें होती हैं, like maintaining your voice decibel. कि उसको वो ठीक है, और मैं ऑब्जर्वर तो वो करना इससे डिफिकल्ट, वॉइस डेसिबल को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना कैरेक्टर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. वाह यार, अच्छा ये मैं बताऊं,
यू नो मैं इसलिए यहाँ पे इसको इंटरव्यू पे इसलिए बैठाया क्योंकि मुझे एक बात मालूम है कि दिस गर्ल इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी रन ऑफ द मिल न्यू कमर. यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू नो यू आई शुड बी सेइंग दैट इन फ्रंट ऑफ यू, बट व्हाई आई लाइक इंटेलिजेंट इन दिस वे के यू वर्किंग टूवर्ड्स थिंग्स. देखो एक बहुत कोई वॉइस को नोटिस ही नहीं करता, बड़ी देर बाद लोग जाते हैं आवाज को बनाना. कोई ये नहीं लड़की कहती मैं पढ़ लिख के हूँ, तो दिस इज वेरी नाइस, इट्स अ गुड थिंग, गुड कि तुम ऑब्जर्व करते हो. आई लव दैट बिकॉज आई फील लाइक आई ऑलवेज सपोर्ट की डिग्री जरूर लें. मैं बड़ी इस बात के खिलाफ हूँ जो लोग बोलते हैं ये डिग्री खत्म किए बगैर हमने करनी है जो भी है पैशन है वट एवर है, डिग्री प्लीज खत्म करें. पर कागज आपको सब कुछ नहीं सिखाता, एक्सपीरियंस आपको बहुत सिखाता है. बिल्कुल सही है. अच्छा अब एक और बिल्कुल वी गोइंग टुवर्ड्स द एंड, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? यू आर सिंगल? हैप्पीली, हैप्पीली सिंगल. और इससे पहले रिलेशनशिप पे कभी रही कोई शादी मंगनी कोई रिलेशनशिप कुछ ऐसा? क्योंकि घर में अक्सर जब एक इफ अ गर्ल इज 24 25 नेचुरली पढ़ाई के साथ घर वाले कहते हैं अभी अभी 24 की हुई है. हां 24 की पिछला महीना. सो यू हैव नेवर बीन इनटू एनी रिलेशनशिप और किसी से कोई वो? आई हैव बीन इन वन. अच्छा ठीक है ठीक है. बट आई डिड नॉट थिंक के वो कैरी ऑन होना चाहिए. फर्स्ट थिंग जो लोगों में डेवलप होनी चाहिए पढ़ाई से भी ज्यादा, ट्रस्ट लॉयल्टी पेशेंस ये सब चीजें जो है ना तो जाने बगैर क्यों किसी रिलेशनशिप से बाहर क्यों निकलना पड़ा? और क्या ये सजेशन भी दूसरों के लिए क्या नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में जो इंसान को निकलना पड़ जाता है उसमें से? अच्छा एक तो रीजन था ये कि जो मैं मेजर रीजन बोलूंगी अनफॉर्चुनेटली वो ये था कि देयर वाज लेस एक्सेप्टेंस ऑफ द फील्ड दैट आई चोज. अच्छा 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 इस फील्ड की वजह से कोई क्या वो इनसिक्योरिटीज जेलसी ये चीजें आ जाती हैं? ठीक है. नॉट व्हिच आई वाज नॉट रेडी टू गिव अप बिकॉज़ आई नेवर कंसीडर्ड माय सेल्फ as just a model or just an actor. I'm a lawyer, I'm a Kathak dancer, I'm a deep sea diver. I'm a lot of things. Deep sea diver, wow yaar. Acha ab ye to badi mazey, to fir kya karna chahiye relationship mein is baat ko khatam karne pehle? I think ke sabse pehle jo hai na aapko you have to match your life and you have to gauge ke aap zindagi se do log kya chahte hain. Aur aap itna patience rakh sakte hain ke aap us cheez ko us point pe la ke join kar sake. मैं इस जनरेशन के लिहाज से बात कर रही हूँ कि इस जनरेशन में डेटिंग का बहुत कल्चर है. हाँ, तो अगर आप डेट करें सबसे पहले आप सोचें कि आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है. बहुत सारे लोग जिनका गोल नहीं है प्लीज वो ये वीडियो ना देखें एमलेसली अगर आप कुछ भी कर रहे हैं. सो डोंट यू थिंक वहाँ के डेटिंग जो है वो एक अजीब सा कल्चर भी हो गया है एंड यू आर नेवर सेटिस्फाइड यार इस तरह? तो आप डेटिंग, मैं तो इसके बड़े खिलाफ इस पता है एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा जो दैट्स द रीजन व्हाई आई स्टॉप्ड इट. ठीक है बिल्कुल सही किया क्योंकि आप जब किसी को जाने लग पड़ते हैं और 6 महीने बाद आपको लगता है यार ये वाली आते हैं किसी और में ज्यादा अच्छी है, डेटिंग का एक और मौका मिला उधर चलो उसको ढूंढो अपना लाइफ पार्टनर, आप ढूंढते ढूंढते अपनी जिंदगी ऐसे जाया करते हैं. तो कितनी एक मजे की बात है कि आप दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे को जानना ही तब शुरू करें जब एक साथ हो जाएं. क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता ना. आपको जब आपके अंदर बुराई की पेशेंस नहीं है तो फिर आप रिलेशनशिप क्या रिश्ता आप कुछ भी नहीं चला सकते. आप कलीग्स भी नहीं हो सकते, आप साथ बैठ के काम भी नहीं कर सकते. ठीक है. अच्छा कभी इस फील्ड में एक चीज मुझे बता दो कि जो ये लगता है कि इस फील्ड में एक खूबसूरती जो है या अच्छे दिखना अच्छे लगना बड़ा काम आ सकती है इस फील्ड में आने के लिए, आंखें बड़ी हों लड़की की और नाक अच्छी हो और होंठ भी ऐसे हों कि जैसे जो आजकल लोग बनवाने जाते हैं नकली. हाँ ये चीजें मैटर करती है. प्लीज यार होंठ ना बनवाए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ. क्यों क्यों प्लीज होंठ ना बनवाए? आजकल तो बहुत फैशन हो लड़की है. आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल डूइंग व्हाटएवर दे वांट टू डू विद देम. आई जस्ट रियली रियली जेन्युइनली बिलीव के अल्लाह से बेहतर कोई नहीं बनाता यार. वाह क्या बात कर दी है, क्या एंड कर दिया है. उससे बड़ा कॉस्मेटोलॉजिस्ट कोई नहीं है, उसके साथ ना खेलें.
ठीक है, तो अपने आप से सेटिस्फाई और ये नकली चीजें ना बनाए। आप कहते हैं आपके अपने नेचर्स एनहांस हो सकते हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। सुरमे भी लगाते हैं क्या, आप मेकअप भी करते हैं, दैट्स नॉट, वो आप अपने आपको एनहांस कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई चीज को बदल देना नहीं करें, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही होगा, अच्छी बात, यू डोंट बिलीव इन दिस। अच्छा, वन मोर थिंग व्हिच आई वुड आस्क बिफोर वी फिनिश दैट, हमारी इस फील्ड में मैंने शुरू में बात की, सच बताया ना आपको, आपको सच सच बताना पड़ेगा, बने हुए होंठ पता चल जाते हैं, अब तो साफ पता लगता है जिन्होंने भी अपने, तो फिर जब जो चीज फिर दिख जाए वो पे उस पे तो अट्रैक्शन दिल ही उतर जाता है। अब ये मुझे पता, कई लोगों को अच्छे भी लगते हैं, मुझे क्या पता, आपको पता चल जाएगा कोई चीज नकली है तो फिर उसको आएगा उस पे? नहीं नहीं आएगा, डिपेंड पता नहीं, मैं नॉर्मल लगाऊं को बजे जाता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा, आपको पता लग जाता है हम लोग जरा ज्यादा वो इस फील्ड में है तो जल्दी मुझे पता लग जाता है कि यार ये बने हुए हैं, बने हुए और ये सही नहीं है। नहीं, अब तो खैर बहुत एडवांस हो गई है ये पूरी एनहांस करना, एस्थेटिक्स का, फेस का, बॉडी का, सब चीजें वर्ल्ड वाइड देखो बहुत ज्यादा ये चीजें आगे चली गई हैं। करें अपनी बॉडी पे काम कर सकते हैं आप, आपके फीचर्स निकल के आते हैं अगर आप थिन होते हैं या आप लूज करते हैं वेट। अच्छा, डाइट कंट्रोल करती हो, अपनी डाइट का ख्याल रखती हो? आई एम अ फूडी। ओके, लगता नहीं है, देखिए ये फूडी है, इधर देख के लगता है ये फूडी है, मुझे तो आई लव फूड और मुझे लगता भी है, इसको देखिए हलवा पूरी चले जाए तो मैं आपको 3 पूरियां खा के दिखा सकती हूं यार ये कसम से। अच्छा, मैंने तो जब देखा ना इसको खाते हुए तो जरा एहतियात से ऐसे से, मेरे सामने तो कभी नहीं वो, और मैं कभी खाना बनाना ही बड़ा पसंद है। हाँ यार ये देखो, अच्छा एक सवाल मैं करना था, बहुत से लोग समझते हैं कि जो, मुझे ये बताना जरूरी कि जो मॉडलिंग की फील्ड में, जैसे भी रिलेशनशिप की बात की, मॉडलिंग की फील्ड में लड़कियां जो आ जाएं तो वो फिर घरेलू नहीं हो सकती, और यहाँ जो एक्टिंग की फील्ड में है वो घरेलू नहीं हो सकती, इसके बारे में क्या ना, मतलब यू आर अ लॉयर ऑल्सो, यू कुक ऑल्सो, खाने बनाती हो, यू आर अ कथक डांसर ऑल्सो, यू आर अ डीप सी डाइवर ऑल्सो, मॉडल तो हो ही, एक्टर भी बन गई हो, मतलब क्या रह गया यार, तो ये क्यों लोगों के जहन में ये बात सही है कि यार फिर या इंटरेस्ट उठ जाता है घर के कामों से, उसको आप लेते हैं कि दे नथिंग गुड फॉर नथिंग? यार मुझे लगता है कि एक तो इंटरेस्ट उठ जाता है वाली बात इतनी एब्सर्ड है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक औरत को ना उसका ना अंदर का एसेंस है घर बनाना, वो आप उसके अंदर से निकाल नहीं सकते। यू थिंक सो? अ वुमन इज मेड टू मेक होम, वो अपना घर हमेशा बनाएगी तो खराब नहीं करेगी। एक औरत के अंदर से नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। देखो यार, किसी को घर बनाना बुरा नहीं लगता, नहीं लगता। कोई औरत जो है वो ऐसी नहीं कि उसको घर नहीं चाहिए, ठीक है। सो शादी होना भी जरूरी है, बच्चे होना भी जरूरी है, सब कुछ करें, ठीक है, बिल्कुल जरूरी है। तो ये जो आजकल होता है कि नहीं यार हम वो बाद में कर लेंगे, पहले हम ये कर लें, उसमें क्या इनपुट है? बाद में और पहले तो खैर अब मैटर करता है कि आपको, आप सही इंसान आपके साथ, आपको सही इंसान मिला है या नहीं मिला है, वो उस चीज से मैटर करता है। लेकिन ये कि घर बना सकती है या बना सकती है, आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली एब्सर्ड, ठीक है, क्योंकि हम स्क्रीन पे ऐसा, आप स्क्रीन पे ऐसे हैं, मैं स्क्रीन पे ऐसी हूँ, आप घर जाएंगे आपने भी दाल चावल खाने, मैंने भी दाल चावल खाने, आपको भी अचार चाहिए, मुझे भी अचार चाहिए, ठीक है, पहनावा आपने भी वही पजामा होगा अपना टी शर्ट के साथ, मेरे तो उससे भी ज्यादा बुरे हाल में होना है, मैं तो टी शर्ट और सलवार पहनता हूं, मैं मेरे तो उससे ज्यादा बुरे हाल में होना है, मैंने तो, और मैं सुबह अंडे के साथ अचार खा के आया हूँ यार आज। हाँ, वो अचार खाने के बाद ना मुझे कभी लगता है कि वो उसमें से ना एक स्मेल होती है, जाती नहीं है, फिर मैं अपने हाथ और हाथ बांधा, वो नहीं है, वो जाती नहीं है एक दो घंटे। लेकिन गाजर का अचार, गाजर का अचार खाया? हाँ खाया, वो जो यार गाजर का अचार, मिर्चों का अचार सब खाते हैं, लसोड़े का, ये लड़की जो रही है। अच्छा, और है किस पे आता खाने पे, पानी आ गया, बिरयानी तो क्या बनाती सबसे अच्छा घर में? मैं देसी खाना सबसे अच्छा बनाती हूँ। उसका रीजन ये है कि लंदन में यार ऐसी तैसी हो गई थी, खुद से खाना बहुत याद आता है, याद तो खुद बनाना शुरू कर दिया, तो आई स्टार्टेड कुकिंग एंड आई स्टार्टेड लविंग इट। ओके लवली, आई थिंक वी हैव टॉक्ड सो मच, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के साथ ना एक एपिसोड और हम करेंगे, और इतनी मजे मजे की बातें और लोग जरूर इंजॉय करेंगे। हमारे लोगों को, हमारे जो बहुत से योर फैंस एंड पीपल हु आर वॉचिंग यू फ्रॉम दिस फील्ड, क्या कहना चाहोगे उन लोगों को इस वक्त? कि यार मुझे मेरा स्किन केयर रूटीन पूछना बंद कर दें, ऑनेस्टली बहुत लंबा है तो इसलिए मैं नहीं बता रहा था। तो बता दो यार जल्दी से, अगर बहुत लंबा है, नहीं थोड़ा सा बता दो, चलो स्किन केयर जापानीज है, बहुत लंबा है। क्या करती हो यार, हमें पता चलना चाहिए क्या करती हो? मुझे शौक है स्किन केयर, तो क्या करती हो?
नहीं मुझे कुछ नहीं पता है नहीं बताई है क्या ये कोई क्रीम्स है कोई स्पेशल क्रीम्स ली हुई द कोरियंस आर फेमस फॉर टेकिंग केयर ऑफ द स्किन ठीक है तो दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ रेटिनॉल्स एंड नायसिनामाइड्स एंड विटामिंस सो यू यूज कोरियन प्रोडक्ट्स यू सेड आई यूज अ लॉट ऑफ कोरियन जापानीज स्किन केयर मुझे बहुत पैशनेटली एक बात तो तय है कि ये इंटरव्यू तो हो गया हमारा लेकिन वो सारी चीजें मुझे भी और दूसरा मुझे प्लीज गाना गाने की लाइव पे आके बंद करते हैं प्लीज ये कौन फरमाइश करता है पता नहीं क्यों किसने ये रूमर निकाला है मैं उस बंदे को ढूंढ के मारना चाहती हूं अच्छा लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीजें मुझे मिलेंगी कोरियन कुछ सप्लाई हो जाएगी या मुझे नाम वाम पता लग जाएगा पक्का आपको तो हो जाएगी ठीक हो गया और प्लीज मुझे गाना गाने की फरमाइश ना करें वैसे फेवरेट गाना कौन सा यार आई थिंक शायद मेरे स्कूल किसी ने बंदे बताना भूल गई छुपा एक्चुअली भूल नहीं थी मैंने जान के नहीं बताया था उस लिस्ट में सिंगर भी था क्योंकि मैं एक टाइम पे गाना गाती थी और मुझे पसंद था तो खत्म कर दिया गाना बहुत छोटा सा फेस था यार छोटी थी एक लाइन जाने जाते एक लाइन कौन सा है वो जो पसंद है अकेले होने से घबराता है दिल मेरा Honestly, लोगो कितना अच्छा इसने गाया है ये कमेंट्स में आप लोगों ने जरूर बताना कि शी सिंग रिक्वेस्ट बढ़ा दी नहीं मेरी नहीं बट यू सिंगिंग वेल आई डिडंट नो दैट आई डिडंट नो दैट एट ऑल मुझे तो इतने चार या मैं कितने सालों से जानता हूं आज तक मुझे कभी पता चला हो कि ये गाना गाती है या ये खाना पकाती है क्योंकि ना आज तक किसी मुझे खाना पका के खिलाया ना गाना खाना मुझे खिलाना और वो खाने के साथ गाना भी सुनेंगे वो भी रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाएंगे ठीक है खाना तो मेरी पहला फोन होता है फ्लाइट से उतरते कि क्या है खाने में ओके लवली चलो यार थैंक यू सो नाइस सीइंग यू बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई इस बहाने से हमारी गपशप हो गई दोबारा मिले संडे के दिन एक्टर्स की इकलौती छुट्टी होती है इसलिए मिलना हो गया अच्छा ऑल द लक टू यू एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर योर फ्यूचर फॉर योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो एंड योर एक्टिंग करियर ऑल्सो एक्टिंग मुझे पता है ये बताया नहीं बड़ी मुश्किल हो रही है आजकल एक्टिंग करते क्योंकि कह रही मैं फंस गई हूँ यार काम खत्म नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा बट हम बहुत जल्दी कौन से चैनल पे देखेंगे ARY पे जहाँ पे सुकून चल रहा है मेरा वहाँ पे हम देखेंगे जहाँ पे इनका बड़ा जोर से सुकून चल रहा है सुकून लेकिन बड़ा तो बड़ी आवाज से आ रहा है हाँ वो माशाल्लाह इज डूइंग रियली वेल तो चलो ठीक है यार थैंक यू यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ लवली सीइंग यू टू गाइस गिव अस द फीडबैक एंड कोई और सवाल जो आप लोग करना चाहते होंगे इन साहिबा से ये जो अवार्ड विनर है तो फिर मुझे बताएगा मैं और भी सवाल करूंगा बाय बाय टेक केयर बाय बाय